नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C65 5G versus Vivo Y28 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C65 5G में 6.52 इंच जबकि Y28 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि C65 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो C65 5G में 3 इंच जबकि Y28 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि C65 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो C65 5G में 0.31 इंच जबकि Y28 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि C65 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो C65 5G में 190 ग्राम जबकि Y28 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो C65 5G में 20.5:9 जबकि Y28 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C65 5G में 6.67 इंचेस जबकि Y28 5G में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन C65 5G में 720x1640px HD+ और Y28 5G में 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C65 5G में 85.23% जबकि Y28 5G में 84.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C65 5G में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y28 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C65 5G में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Y28 5G की बात करें तो इसमें दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो C65 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y28 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो C65 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Y28 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C65 5G में MediaTek Dimensity 6300 और Y28 5G में MediaTek Dimensity 6020 मिलता है। बात करें RAM की तो C65 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Y28 5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो C65 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y28 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो C65 5G में अप टू 2TB जबकि Y28 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो C65 5G में Android V14 जबकि Y28 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो C65 5G में 3 कलर्स जबकि Y28 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C65 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,913 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Y28 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme C65 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करिए Vivo Y28 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें ये रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y28 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2A 5G है, दूसरा Realme 12 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M14 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo के 12X 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।